लंग्स हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लंग्स की वजह से ही हमारी बॉडी से जितने भी विषैले पदार्थ हैं वो बाहर निकलते हैं। हमारे फेफड़ों की जब तक अच्छे से सफाई नहीं होती तब तक हमारी बॉडी में बहुत गंदगी जमा हो जाती है। तो ऐसे में आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी हो चुकी है, हम लंग्स पर ध्यान देना बहुत ही कम कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ घरेलू उपाय जिससे आप अपने फेफड़ों को अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं ताकि आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बच सकें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हाय, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं एनवीटी लाइव। सबसे पहला उपाय है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी हम गहरी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ऐसे में जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है तो फेफड़ों की सफाई अच्छे तरीके से होती है और जितने भी टॉक्सिन सब्सटेंस हमारे फेफड़े में मौजूद हैं वो निकल जाते हैं। इसके लिए आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। दूसरा, आप कपाल भाती कर सकते हैं, इससे आपके पेट और लंग्स दोनों अच्छे तरीके से क्लीन होते हैं। दिन में अगर आप 10 मिनट भी इन दोनों एक्सरसाइज को करते हैं तो इससे आपके लंग्स काफी अच्छे तरीके से क्लीन होंगे और आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा कर रखेंगे। दूसरा उपाय है स्टीम थेरेपी। स्टीम थेरेपी बहुत ही ज्यादा इजी और इफेक्टिव तरीका है। अगर आप डेली स्टीम लेते हैं तो इससे आपकी जो श्वास की नली है वो खुलती है, अच्छे तरीके से वो फंक्शन करती है और आपके फेफड़े क्लीन होते हैं। आप चाहें तो नॉर्मल पानी में नीलगिरी के तेल की कुछ बूंदें भी डाल सकते हैं। इससे आपका जो श्वसन तंत्र है वो बहुत अच्छे तरीके से खुल जाएगा और फेफड़ों की जो क्लीनिंग है वो भी अच्छे तरीके से होगी। फिर है हल्दी। हल्दी को आयुर्वेद में जादुई औषधि के नाम से जाना जाता है। इसमें करक्यूमिन पाया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी से भरपूर होता है और हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप डेली सोने से पहले रोज एक ग्लास गर्म पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला करके हल्दी वाला दूध कंज्यूम करते हैं तो इससे भी आपके फेफड़ों की सफाई बहुत अच्छे तरीके से होती है और आपके फेफड़े क्लीन रहते हैं। अगर आप अपनी ग्रीन टी में अदरक और तुलसी मिलाकर के पीते हैं दिन में 2 बार भी तो ये आपकी श्वास की जो नली है उसे अच्छे तरीके से खोलता है, फेफड़ों को अच्छे से क्लीन करता है और आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। इसके साथ ही आपकी जितनी भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है वो भी चली जाती है। अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से आपका गला खराब हो गया है, सर्दी जुकाम हो गई है, तो उसमें भी ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसके बाद आपको अपनी डाइट में विटामिन सी से भरपूर खानों को शामिल करने की जरूरत है। इसके लिए आप नींबू खाएं, संतरा खाएं, आंवला खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं जिसमें आप ब्रोकली और पालक खा सकते हैं, नट्स में आप बादाम अखरोट, इसके साथ ही चिया सीड्स खाएं, ये भी आपके लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और लास्ट में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है पानी। हाइड्रेशन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि जितना हम पानी पियेंगे उतना ही हमारे शरीर से जितने भी विषैले पदार्थ हैं वो निकलेंगे। तो दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना बेहद ज़रूरी है। तो ये कुछ आसान से घरेलू टिप्स थे जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके फेफड़े अच्छे तरीके से क्लीन होंगे और अच्छे से फंक्शन करेंगे ताकि आप बहुत सारी बीमारियों से बच रह सकें। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।